नमस्कार नागपुर के गोन राजा राजा और उनके सदी के वंशज की बेटी राजकुमारी राजमोती इन पर बनाई गई के स्पेशल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे दर्शकों भारत के महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के विदर्भ में और विदर्भ के नागपुर में आज भी जिन्होंने नागपुर बसा है ऐसे राजा, बक बख शाह और उनके दसवीं पीढ़ी के वंशज राजा आजम शाह की बेटी राजकुमार राजमोती इनसे जुड़ी हुई कई विशेषताएं हैं जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है इतने नहीं तो शहर के ऐतिहासिक धरोहर की जो दुर्दशा बनी हुई है आखिरकार कब मिलेगा गोंड राजा के वंशजों को न्याय आइए आदि तमाम जानकारी बी चैनल के स्पेशल स्टोरी में देखते हैं जहाँ चाह वहाँ राह में नागपुर नगरी का जब भी नाम आता है तो नागपुर की स्थापना करने वाले गोंड राजा भगत बुलंद शाह इनकी यादें भी ताजा हो जाती है जी हाँ नागपुर की स्थापना लगभग 317 साल पूर्व हुई है 1702 में गोंड राजा भगत बुलंद शाह प्रथम ने नागपुर की स्थापना की थी औरंगजेब से मिलने के बाद बुलंद शाह देवगढ़ से यहाँ आए थे यहाँ के बारह गाँव को मिलाकर नागपुर नगरी की स्थापना की इन बारह गाँव में राजापुर रायपुर हिवरी हरिपुर वानडे सक्करदरा आकरी लेड्रा फुटाला गाड़गे भानखेड़ा सीताबड़ी शामिल थे समय के साथ इनमें से कुछ नाम बदल गए हैं उन्होंने गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ा आवश्यकता के अनुसार बाजार बनवाए इस तरह नागपुर का विकास धीरे धीरे होता रहा गौड़ राजा बगबुलंद शाह इन्हें औरंगजेब ने भी की थी मदद अभ्यासों के अनुसार इसके पीछे राजा साहब की मजबूरी थी कि वे अपना राजपाट छोड़कर छोड़ यहाँ आए थे देवगढ़ के तत्कालीन राजा कोकशाह की मृत्यु के पश्चात राजा बगबुलन शाह गद्दी पर बैठे यह बात राज परिवार के कुछ सदस्यों को खाली उन्होंने बगबुलन को खत्म करने की योजना बनाई इसके भनक लगते ही बग्त बुलंद देवगढ़ से पलायन कर औरंगजेब के पास मदद मांगने गए औरंगजेब ने उन्हें मदद का आश्वासन तो दिया लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि व्यवसाय का व्यवहार रहेगा औरंगजेब ने राजा बग्त बुलंद की शर्त मानकर उनकी मदद की जिन दिनों राज परिवार का साम्राज्य था तब गौन राजा के अपने सिक्के हुआ करते थे आज वंश के पास एक भी सिक्का नहीं है नागपुर में हिंदी भाषा लाने का श्रेय भी राजा वक्त बुलंद शाह को ही जाता है शहर की स्थापना के बाद उन्होंने जो सिक्के बनवाए थे वे हिंदी में थे इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नागपुर में हिंदी भाषा का आगमन देवगढ़ से हुआ है सन 1709 के आसपास राजा बख्त बुलंद शाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु की निश्चित तारीख को लेकर इतिहासकारों में मतभेद जरूर है बख्त बुलंद शाह के बाद राजा चांद सुल्तान ने गद्दी संभाली चांद सुल्तान ने शहर में आवश्यकता अनुसार अनेक वस्तुओं का निर्माण कराया उन्होंने नगर में पांच महाद्वार बनाए वर्तमान गांधी सागर बनाम जुम्मा तालाब और महल का प्रसिद्ध गांधी द्वार उन्हीं की ही देन है उस समय गांधी सागर तालाब के पानी की आपूर्ति बारह गाँव को की जाती थी तालाब का 25 प्रतिशत हिस्सा ही शेष रह गया है दर्शकों एक नजर डालते हैं गोंड राजाओं के कालखंड पर। राजा जाटबा जो कि 1580 से लेकर 1620 देवगढ़ के संस्थापक रहे उनका कामकाज रहा तो वहीं राजा बख्त बुलंद शाह सोलह से लेके 1709 तक इनका कामकाज रहा इन्होंने 1702 में नागपुर बसाया राजा चांद सुल्तान 1709 से लेके 1735 तक इनका भी कामकाज रहा इन्होंने महल स्थित जुम्मा जिसे शुक्रवार तालाब के नाम से भी जाना जाता है ऐसे जुम्मा तालाब और गांधी गेट जुम्मा द्वार भी बनाया राजा वली शाह जो कि 1735 से लेकर 1738 तक इनका काम का रहा तो वही राजा बुरहान शाह सत्रह सौ लेकर सत्रह तक इनका भी काम का रहा राजा बहराम शाह सत्रह सो लेकर अठारह तक इनका भी कामकाज रहा तो वही राजा रहमान शाह 1821 से लेके अठारह तक इनका काम काज रहा राजा सुलेमान शाह जो कि अठारह से लेके अठारह तक इनका भी काम काज रहा तो वहीं राजा आजम शाह अठारह से लेके 1955 तक इनके भी काम काज रहे राजा बगबुलन शाह द्वितीय 1955 तक इनका भी काम काज रहा गोंड राजा इंतकाल के बाद उनके पार्थिव को इसी समाधि स्थल पर लाया गया और उन्हें खा किया गया नागपुर के पहले राजाओं का इतिहास देखते हुए इसे गोंडवाना नाम देने की वकालत कुछ संस्थाओं की ओर से की गई यहां तक कि लगातार इसे लेकर आंदोलन छेड़ दिया गया लोकार्पण में कुछ आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन ठंडा भी पड़ गया लेकिन आश्चर्यजनक बात तो यह है कि गोंडवाना का नाम देने की वकालत करने वालों की ओर से दुर्दशा से सराबोर राजाओं के समाधि स्थल की दुर्दशा को लेकर इतने वर्षों में कभी भी चिंता नहीं जताई गई जबकि इन्हीं लोगों की ओर से मूल निवासी होने का डंका जरूर पीटा गया मनपा अंतर्गत कार्यरत हेरिटेज कमेटी के पास इन ऐतिहासिक धरोहर के रखरखाव का दायित्व है संविधान चौक पर बने भक्त बुलंद शाह के स्मारक के निर्माण में योगदान रहा हो लेकिन इस और इनके द्वारा भी आवश्यकता अनुसार इस ऐतिहासिक धरोहर की ओर ध्यान नहीं दिया गया शहर के कई ऐतिहासिक धरोहर को लेकर हाईकोर्ट की ओर से स्वयं संज्ञान लेने के बाद उनका पुनरुद्धार होने जा रहा है किंतु प्रत्येक मामले में केवल हाईकोर्ट को ही आदेश देना पड़ेगा इसे लेकर भी प्रश्न चिन्ह सा लगाया जा रहा है जबकि शहर में स्थित सभी ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल दुरुस्ती और रखरखाव के दायित्व निभाने के लिए हेरिटेज संवर्धन समिति गठन किया गया है जिसमें महानगर पालिका ऐसी लेकर तमाम अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी के निर्मित इस समाधि स्थल को तीन वर्ष पहले ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया जिसके पूर्व इसका सर्वे भी कराया गया था उसी समय समाधि स्थल दुर्दशा का शिकार होने की जानकारी उजागर की गई थी बी चैनल द्वारा बार बार इस समाधि स्थल की हो रही दुर्दशा के बारे में बताया गया लेकिन राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो या हो फिर जिला या नगर प्रशासन इनके कानू में जू तक नहीं रहेंगी ढाक के तीन पाँच जैसा भी आज भी मनपा प्रशासन का काम का चल रहा है जिससे ऐतिहासिक धरोहर दुर्दशा से सराबोर दिख रही है बीसीएन न्यूज चैनल द्वारा बार बार इस ऐतिहासिक धरोहर यानी गोंड राजा भक्त बुलंद शाह की जो समाधि है उस समाधि स्थल का सौंदर्यकरण होना चाहिए साथ ही इसका पुनरुद्धार भी जरूरी है जिन्होंने इस शहर को बसाया है उनकी इस तरह की दुर्दशा काफी चिंता का विषय है आलम तो यह है कि इसके चारों ओर अतिक्रमण का जाल फैलाता जा रहा है पुराना इतिहास है जिसे संजोए रखना मनपा की जिम्मेदारी है हालांकि कई ऐतिहासिक स्थलों का रख रखाव तो गत समय हुआ है लेकिन कुछ ऐतिहासिक धरोहर की अनदेखी भी हुई है जिससे अब इस और गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा जल्दी मनपा के माध्यम से इसके पुनरुद्धार का प्रयास करने की बात शहरवासी कर रहे हैं, लेकिन मनपा प्रशासन का उदासीन रवैया आखिरकार कब बदलेगा और इस ऐतिहासिक धरोहर की जो दुर्दशा हो रही है उससे कब मुक्ति मिलेगी ये तो खुद प्रशासन जाने लेकिन शहर की जनता इस ऐतिहासिक धरोहर की जो दुर्दशा हो रही है उसे निजात पाना चाहती है और इस समाधि स्थल का अच्छे से सौंदर्यकरण और विकास हो यही शहर की जनता चाहती है दर्शकों इस समय में बीसिन की टीम सकरदरा पुलिस थाने के पीछे में है जहां पे गोन राजा भक्त बुलंद शाह इन्हें उस जमाने में सुपुर्द खाक किया गया था और गोन राजा के जो वंशज है ऐसे तमाम लोगों की 16 से 17 यहाँ पे कब्र दिखाई देती है उन लोगों की जो गोंड राजा के रिश्तेदार थे उनके कई वंशज थे मगर अफसोस के नागपुर के नाम से जाने पहचानने वाले ऐसे गोंड राजा जिनके नाम से नागपुर शहर को जाना पहचाना जाता है मगर आप देख सकते हैं कि किस लचर हालत यहाँ पे हुई है यहाँ का जो पूरा यहाँ कूड़ा कचरा बड़े पैमाने पे है और यहाँ पे जो कब्र बनाई गई है जो उस ज़माने में जो बनाई गई थी आज वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं दोज होते हुए नजर आ रही है यहाँ देख सकते हैं कि पत्थर भी बड़े पैमाने पे उखड़ चुके हैं यहाँ पे कोई विकास या सौंदर्यीकरण के ऐसे कामकाज नहीं किए हैं जिसके चलते राज्य सरकार हो प्रशासन हो इनके ऊपर में एक प्रश्न चिन्ह सा लगता है हम देख सकते हैं कि नागपुर शहर में बड़ी बड़ी सड़कें बड़े बड़े पुल मेट्रो और तमाम ऐसे विकास के कार्य तो ज़रूर हो रहे हैं मगर जिस नागपुर की आन बान और जिस नागपुर की पहचान जिन्होंने दी ऐसे गोंड राजा बक बुलंद शाह इनकी कब्र को लेकर और उनके वंशजों की जो कब्र की जो लचर हालत हुई है एक हेरिटेज का इसे दर्जा देना चाहिए मगर अफसोस कि ये प्रशासन नहीं दे पा रहा है प्रशासन ने इस ध्यान दे और गोड राजा भगत बुलंद शाह का इतिहास जन जन तक लोगों को मालूम पड़े और आने वाले विद्यार्थियों को इसका नॉलेज हो इसलिए प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए बी ये पहल करती है कि राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो या हो फिर जिला और नगर प्रशासन इन्होंने ध्यान देकर बद बुलंदशाह गोंड गोंड राजा बुलंद शाह की ये जो यहाँ पे जो कब्र है इनकी जो लचर हालत हुई है इनके ऊपर ध्यान दे और सौंदर्यकरण करें ताकि देश विदेश से बड़े संख्या में पर्यटक यहाँ पे नागपुर के उस राजा को देखने के लिए आ सकते हैं उनके कब्र का आकर यहाँ पे दर्शन ले सकते हैं क्योंकि गोंड राजा बुलंद शाह ये सबके राजा थे और नागपुर नगरी का नाम उन्हीं उन्हीं के नाम से भी जाना पहचाना जाता है इसलिए सरकार से ये पूरे शहर के लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि कुछ भी करके हम जिस तली पे इस तली का विकास होना चाहिए सौंदर्यकरण होना चाहिए और इतिहास में एक बार फिर गौंड राजा बख बुलंद शाह ये क्या थे उनका कामकाज क्या था इस बारे में जानकारी दे और यहाँ का विकास होना यही सबसे पहले प्राथमिकता दे ऐसे शहर के लोगों की मांग है दर्शकों गोंड राजा बख्त बुलंद शाह के दसवें वंशज राजा आजम शाह की बेटी राजकुमारी राजमोती इनके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं भारत के महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के विदर्भ में और विदर्भ के नागपुर में आज भी कई ऐसी पुरातन बातों की विशेषताएं हैं जो आज भी लाखों शहरवासियों को पता नहीं है नागपुर शहर जिन्होंने बसाया है ऐसे गोंड राजा बख्त बुलंद शाह थे गोंड राजा बख्त बुलंद शाह के गौंड राजा बगबुलंद शाह के वंशज के आखिरी शासक राजा मोहम्मद आजम शाह की बेटी राजकुमारी राजमोती थी जो कि राजा बगबुलंद शाह की दसवीं पीढ़ी की थी राजकुमारी राजमोती इनका इनका जन्म सन 16 नवंबर 1920 को लाल बंगला टाकली हाउस में हुआ था लाल बंगला टाकली को जिसे आज हम नागपुर के राजनगर छावनी के नाम से पहचानते हैं राजकुमारी राजमोती के बेटे सलमान शाह इनकी उम्र 77 वर्ष की है आज भले ही राजकुमारी राजमोती इस दुनिया में नहीं हो लेकिन उनके जमाने की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे बड़ी ही हिफाजत के साथ राजमोती के बेटे सलमान शाह ने संजोगे रखा है दर्शकों आज हम आपको नागपुर के राजा के बारे में जानकारी देंगे जी जी हाँ हम बात करने जा रहे हैं गौंड राजा बख्त बुलंद शाह के दसवीं पीढ़ी के राजकुमारी राज मोती माँ साहिबा के बारे में तो आइए अब हम उनके निवास स्थान आए हुए हैं राजनगर छावनी में जहां इनका ये निवास स्थान है अब अंदर में हम भीतर में प्रवेश करते हैं और आपको पूरी वहाँ की क्या क्या विशेषता है और क्या क्या जानकारी है और उन परिजनों से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे राजकुमारी राजमोती जी इनके आज हम निवास स्थान पर आए हुए हैं दर्शकों अब हम आपको बताएंगे कि बुलंद शाह इनके दसवें पीढ़ी की जो राजकुमारी राजमोती जी जो थी वो इसी निवास स्थान में अठारह एकड़ में फैला हुआ ये परिसर है आज हम आपको बताएंगे कि उनका जन्म जिस कक्ष में हुआ था ये वही कमरा है और आइए भीतर चलते हैं और उनसे जुड़ी हुई बातें जानना चाहेंगे तो जैसे हम अंदर में दाखिल हुए हम आपको बता सकते हैं कि ये वही कमरा है और यही बेड़ है जहाँ पे राजकुमारी राजमोती जी इनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1920 को और अब थोड़ा इधर पैन करके आप देख सकते हैं कि ये वही पुरानी चीज़ें हैं जो उस जमाने से जुड़ी हुई है इनके बारे में भी हम आपको बता दें कि ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं आज ऐसी चीज़ें शायद ही किसी को दिखती हो और ये हमारा सौभाग्य है, है हमारे दर्शकों का सौभाग्य है कि आज हम आपको इन तमाम तमाम चीज़ों से रूबरू करवाना चाहेंगे अक्सर संगीत संगीत किसे अच्छा नहीं लगता चाहे राजा हो या हो प्रजा हर किसी को संगीत से बड़ा लगा होता है प्यार होता है क्योंकि संगीत एक इबादत है संगीत एक शक्ति है संगीत हर सारे जहाँ में है और संगीत के शौकीन थी राजकुमारी राजमोती जी जो ये फ्लूट बजाती थी ये जो फ्लूट मेरे हाथ में जो दिखाई दे रही है ये आखरोट की उस लकड़ी से बनाई हुई है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसकी सजावट भी की गई है और महारानी जी अक्सर राजकुमारी जी अक्सर यह फ्लूट बजा के सभी परिजनों का एक दिल बहलाती थी समाधान करती थी क्योंकि संगीत एक इबादत है मैंने आपसे पहले कह दिया हूँ सेकंड आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पुरातन काल की एक ऐसी आक्रोश से बनाया हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ये जो पेटियां होती थी लेकिन ये जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रखा जाता था तो ये वही है आप देख सकते कि इस तरह की ये है पेटी और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती थी इसी बक्से में अक्सर रखा करती थी उसके बाद में अंग्रेज जो ने इनका जब सम्मान किया था तब राजमोती जी को इस प्रकार का एक बॉक्स ये जो बक्सा है ये उन्हें दिया गया था और ख़ास तौर पर इसी बक्से में रहते थे जेवरात जो महफूज तरीके से रहे और देखिए अंदर का थोड़ा मैं मेरे कैमरा पर्सन मोनू से मोनू आप थोड़ा यहाँ प्यान करके बताइए कि यहाँ पे जिस तरह के ये नक्शी जो काम किया गया है वो अपने आप में एक है और इस तरह की ये जो सजावट है ये जो कलाएँ हैं यही हमारे देश की आन बान और शान है अक्सर चाय किसे पसंद नहीं या कहीं गर्म पानी पीना हो तो आज अलग अलग उसके उपकरण आए हुए हैं। देखिए ये ये बहुत ही पुरातन काल से बना हुआ ये जो आप देख रहे हैं नल यहाँ से ये शुरू करने के बाद में चाय उबलकर इसमें आती थी और राजा लोग इसी यहाँ से चाय की पहले लगा कर चाय पीते थे चाय पूरी तरह से गर्म रहती थी अब जहाँ जहाँ हमारी नज़र जा रही अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही ये छोटा सा बक्सा ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं थोड़ा खोल के बता देना चाहता हूँ इसका नक्शी काम देखिए कि इसको किस तरह से बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोती रखे गए हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजकुमारी जी ये तमाम जो यहाँ पे जो पेटियां जो दिखाई दे रही है जो बक्से जो दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रखती थी ये वो दूरबीन है जो कई किलोमीटर तक के लोगों को देखा जा सकता था और थोड़ा इसको दिखा दीजिए कि देखिए इसके ऊपर में उर्दू में लिखा गया है और ये हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है तो इस तरह का ये एक दूरबीन थी और कलई को मजबूत करने के लिए आज तो कई ऐसे जिम में हैं लेकिन ये देखिए ये जो है इसमें इससे कलाई मजबूत होती है और जिसके कलई में जोर हो राज उनका ही होता है और आज देश के शहर के जनता को भी ये बड़ा महत्व है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें मजबूत रखें इस तरह के हाँ ये जो आप यहाँ कपो एक अलमारी जो दिखाई दे रही है आपको इसके अंदर भी भी काफ़ी चीज़ें हैं और अब थोड़ा मैं इधर पैन करके आपको बता दूंगा कि ये देखिए ये अलमारी जैसी खुलती है तो हमारी जो पहली नज़र है ये पुरानी चीज़ों के ऊपर में रखी गई है और इन तमाम चीज़ों को संजो अच्छे से इसको रखा गया है इस समय में हमारे साथ में राजकुमारी राजमोती जी इनके बेटे सलमान जी सलमान शाह हमारे साथ में हैं उनसे भी हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो राजकुमारी राजमोती जी जो थी इनके ये पिताजी है और आप देख सकते कि यहाँ लिखा है कि राजा राजा मोहम्मद शाह राजा मोहम्मद आजम शाह अगर फोटो में इतने ये शानदार दिखते थे तो असल में इनका क्या रुबाब होगा और और सलमान शाह जी के ये है दादा राजा लिया कशाह जो कि होशंगाबाद यहाँ पे लिखा गया है तो ये राजाओं का राज था और नागपुर नगरी में बसाने की अहम भूमिकाएं जो थी महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं राजाओं ने किया गोंड राजा का इतिहास देखते हुए नागपुर का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है गोंड राजा बख्तुलंद शाह के दसवें बहुत राजा आजम शाह की बेटी राजकुमारी राजमोती इनका नाम शहर के चौक को सभाग्रो को और लाइब्रेरी को दिया जाए या फिर सार्वजनिक मैदान को देने की बात उनके परिवार वालों ने और शहरवासियों ने की है बादशाह नेल्सन है ओरिजिनल वॉल पेंटिंग है ने, नेल्सन बादशाह की इंग्लैंड का ओरिजिनल वॉल पेंटिंग है और 18 का है पूरा लाड़ी की फोटो इसमें ये है बैठा है ये हाँ है है ये बादशाह एक हाथ नहीं ओरिजिनल ऑफ ऑफ नेल्सन नेल्सन तो दर्शकों अब हम बात करना चाहेंगे राजकुमारी राजमोती जी के बेटे सलमान शाह जी हमारे साथ में हैं उनसे जानना चाहेंगे सर सबसे पहले आपका बी सी न्यूज परिवार की ओर से हम आपको ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं और जिस तरह से आपने इतने वर्षों के बाद भी जो अनमोल ऐसी जो वस्तुएं हैं जिसको आपने संजोगे रखा है वो तारीफ़ काबिल है सर ये बताइए कि जिस तरह से आपके हाथ में एक ये जो आ, स्टिक जो दिखाई दे रही है इसकी क्या विशेषता है विशेषता यह है कि हमारे ये नाना राजा मोहम्मद आजम साहब की थी और उसके बाद में हमारी माँ राजमोती साहिबा को ये मिली और उन्होंने उसके बाद में अब हमारे पास है ये हाथी के हाथी का दांत है इसमें और ये सब चंदन की लकड़ी हैं ये अखरोट की उसमें ये स्टिक है जी हाँ बिल्कुल जैसे कि जैसा इन्होंने फरमाया है कि ये जो है ये चांदी का पत्र ऊपर से लगा हुआ है और जहाँ मेरी ये जो उंगली मैं जो ये बताने जा रहा हूँ ये हाथी का दांत है और ये जो पूरी जो स्टिक है ये जो लकड़ी है के के लकड़ी से ये बनाई गई है इसकी सजावट काफ़ी अच्छी है और राजमोती जी जो थी वो इसी आ, जैसे जैसे उम्र होती गई इसी आ, स्टिक का सहारा लेते हुए वे, वे चलती रही सर ये बताइए कि आज राजमाता जाके काफ़ी वर्ष हो चुके हैं आज कैसा महसूस कर रहे हो आप और जिस तरह से ये जो विरासत आपको जो मिली है इसको आ, सही मायने में सही तरीके से रखने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इसको तो बहुत सहज के रखना पड़ता है सफाई करनी पड़ती है इसकी और इसमें सब दवाएं डालनी पड़ती है, स्प्रे करना पड़ता है और पॉलिश करना पड़ता है हर चीज़ को सफाई करनी पड़ती है हर साल बारिश के बाद बार इसको देख बहुत ज़रूरी है देखना हर जितना भी मटेरियल हमारे पास है पुराना तीन सौ साल पुराना उसको सबको सफाई करके उसमें अच्छी तरह से उसको साफ़ करके पॉलिश करके हर चीज़ को रखा जाता है सहज की तो इसलिए वो एक, एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हम रख रहे हैं और है हमारे पास जी और शाह साहब ये बताइए कि मुझे आज जो नागपुर नगरी का जो नाम है वो आप लोगों की वजह से नागपुर नगरी को आप लोगों ने बसा है सही मायने में है लेकिन ये जो कुछ जो आपके पास जो चीज़ें है क्या आप शहर के किसी मध्यवर्ती संग्रहालय हो या कई ऐसे म्यूज़ियम हो वहाँ पे भी इस तरह की अपनी पुरातन काल की चीज़ें है क्या जी हाँ नाजाब बंगला है म्यूज़ियम है वहाँ पर भी है और ये सब इस डिस्प्ले के लिए भी हमने दिया था तीर्थ शताब्दी हुई थी उसमें सब ये मोर भवन में और अपने म्यूज़ियम में सब एक एक महीना रहा लोगों ने देखा उसको बहुत सराहाया और बहुत मुबारकबाद दी और बहुत खुश हुए कि पुरानी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती है। हम देख रहे हैं और बहुत हमारे मुबारकबाद देख बहुत खुशी हुए इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो मगर वह अपने बचपन को जिंदगी भर नहीं भुला पाता क्योंकि बचपना एक ऐसा होता है कि किसी बात का कोई टेंशन होता नहीं है और बचपना हर कोई अपने बचपना फिर से आए ऐसा हर किसी को लगता है लेकिन वो संभव नहीं क्योंकि बचपना के आगे युवा अवस्था आती है और उसके बाद में एक बुढ़ापा भी आता है तो ये ऐसे तमाम जो प्रोसेस होते हैं लेकिन जो बचपन की जो यादें है वो अहम रहती है तो आइए इन्हीं से जानते हैं सलमान शाह साहब से राजा साहब ये बताए कि जिस तरह से आ ये अठारह एकड़ में जो लाल बंगला है जो फैला हुआ है आपका बचपना कैसे गया हमारा ये जो, जो बंगला है हमारे नाना राजा मोहम्मद आजम शाह का है और उसके बाद में हमारी मालदा राजकुमारी राजमोती पैदा हुई हैं उसके बाद फिर हम हुए हैं तो हमारा बचपना यहाँ बहुत अच्छा गुजरा हमारे नाना के पास और यहाँ पर हाथी थे घोड़े थे हमारी अम्मी जो थी उनके दो घोड़े थे एक जार और एक जरीना उनका नाम था और वो भी बहुत अच्छे थे सुबह उनके लिए दूध और जली भी होती थी और जब हाथी था हमारा तो उससे हम स्कूल जाते थे बिशप कॉटन स्कूल तो सब वहाँ पर किंग्स वे कहलाता था और राजा हम जब स्कूल जाते थे वहाँ पर सब हमारे आया वगैरह सब आ जाते थे नौकर कर राजा राजा थे के राजा का नाती आ गए राजा फिर हमको लोग लेके जाते थे हमारी क्लास के जी वन से हम के, पढ़ते रहे फिर मम्म बैरी हमारी क्लास टीचर थी मिस्टर शॉ वहाँ के हेड मास्टर थे फिर हम जब चले जाते थे तो हमारा जो खाना निकलता दोपहर का तो हमारे नाना राजा मोहम्मद आजम शाह पहले हमारा खाना निकालते थे कि पहले सलमान का खाना निकालो उस जब देख लेते थे निकल गया फिर वो फिर सब लोग पहले डॉक्टर आता था गार्डियन रहता था सिविल सब उसको चेक करते थे खाना उसके बाद वो खाना हम लोग खाते थे और हमारी लेडी गवर्नर्स थी दो वो हमारा सब हर तरह से ख्याल रखती थी हमारी वालदा राजकुमारी राजमोती भी थी आया लोगों भी थी और यहाँ पर बहुत बड़ी चालें थी सब नौकर चाकर हर कहांसामा हर चीज़ से होते यहाँ यहाँ दो तीन किस्म के बावर्ची खाने होते थे और तीन मद्रासी अंग्रेजी और हिंदी महाराष्ट्र ये तीन खाने बनते थे सब लज्जत के और ये सब हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा य यहाँ पर हमारे तितली पकड़ने का बहुत शौक था ज़्यादातर जो हमारा सामने बहुत बड़ा बाग था उसमें हौस था पानी तो का फुआर तो हम काफ़ अक्सर छुट्टियों में हम तितली ज़्यादा पकड़ते थे वहाँ पर बहुत शौक था तितलियों का हमको और सब बहुत अच्छा एक ज़माना था वो दौर बचपने का और बचपन का तो दौर चले गया मगर जिस तरह से अभी आ, हर किसी की उम्र ढलती जाती है धीरे 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 क्यों ना हो आपको नहीं लगता अभी आपका जो मतलब जो कामकाज है कहने का तत्पर है कि राजा बग बुलंद शाह के आप दसवें पीढ़ी के वारिस हो राजकुमारी राजमाता के बेटे आप सलमान शाह साहब हो आपके नाना का और दादाजी का क्या नाम था हमारे नाना राजा मोहम्मद आजम शाह नाम था और हमारे दादा का राजा लियाका शाह नाम था औरंगाबाद के थे वो एम के और जी हाँ सब लोग बहुत हम सब तो चाहते थे नाना दादा बहुत ही मोहब्बत हम लोगों से करते थे उस वक्त बिल्कुल हर परिवार में नाना और दादा एक ऐसी बातें होती है जो अपने नाती से बड़े खेलते हुए नज़र आते जब हम स्कूल जाते थे हाँ सुबह का वक्त होता था कि हम नाना के नाना के पास तो हम सिर्फ एक वक्त जाते थे उनके कक्ष में वैसे हम बार बार नहीं जा सकते थे तो सुबह हम जाते थे उनको सबसे पहले सलाम करते थे और फिर कुश्ती हमारी जब ऐसी हो जाती थी तो वो वो भी बैठ जाते थे पलंग पर और हमको ऐसा 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 ऐसे कुश्ती कुश्ती करते थे फिर सलाम करते थे फिर वापस हो जाते थे स्कूल चले जाते थे उसके बाद हम शाम में आते थे तो फिर उस ज़माने में ये बहुत सी खेल वेल होते थे जो कठपुतली वाला तो आते थे नाना के गोद में बैठते थे और वो थोड़ा बहुत देखते थे फिर पढ़ाई लिखाई फिर सब खेल कूद ही होता था और बड़ा अच्छा दौर था बड़ा अच्छा ज़माना था सब भरा घर था गार्डियन थे और सारे लोग बहुत मैंने एक अलग अब वो ज़माना गया अब वो वो चीज़ याद करो तो बड़ा यानी वो दिमाग में कभी कभी आती बैठते हैं तो होता है मगर सोचते हैं हर चीज़ के साथ चलना चाहिए वक्त के साथ चलते रहना चाहिए ये एक ज़िंदगी है खुशहाली और सब ठीक है वैसा हम सब बहन भाई भी हमारे एक दो भाई दो बहन हैं एक बहन का डेथ हो गया है हमारे भाई इरफान शाह है बहन अफरोज शाह है और हम सलमान शाह हैं हमारी बीवी है अदीबा हमारा पोता है हम आजकल हम अपने पोते के साथ ज़्यादा वक्त निकालते हैं और वो अपने दादा का दोस्त है और दादा उसके दोस्त थे ऐसा हो गया हमारा और आजकल हमारे पैरों में भी थोड़ा दर्द रहता है तो बाहर जाना हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है तो पोते के साथ घर में खेलते रहते हैं आजकल और ये करोना जब हो गया है तो हमारी दुआ है भाई सब नागपुर वालों के लिए कि अल्लाह तला सबकी हिफाज़त फरमाए और सब हमारे अपने हैं और सबकी इस बिला बीमारियों से बचाए सबको और सबको चाहिए कि दूरी रखे और मास्क पहने और अपना सब ख्याल रखें ज़्यादा इसमें भीड़ में ना जाएँ और सबके लिए दुआ है कि सब खुश और अच्छे रहें यहाँ पर बिल्कुल आपने सभी के लिए एक दुआएं फरमाई है और इन सभी की जो तमन्नाएं हैं, जो आपकी चाहत है जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो भाईचारा प्यार प्यार मोहब्बत प्यारोहबतं शांति ये सब बना रहे ऐसा आपका कहना है लेकिन जितने हाँ स... स... भी, भी लोग फलदारपुरे स... के मुमन पुरे के हसन बाग के महल ताजबाग के सदर छावनी जो हमारा इलाका है सब हमसे मोहब्बत करते हैं और सब हम बहुत चाहते हैं और हमारा जो सलमान शाह नाम है लोग तो सब पहचान लेते हैं कि अरे राजकुमारी राजमोती का लड़का है सलमान बिल्कुल सलमान साहब लेकिन आपके जब आप हमसे बात कर रहे थे तो कुछ दर्द भी झलक उठा आ, तो कहने का तब्र है कि किसी प्रशासन या सरकार से कुछ कहना चाहते हो क्या हाँ कहना यह चाहते हैं कि हम कि हम इस नागपुर में पैदा हुए नागपुर से एक मोहब्बत है सबसे नागपुर की हट्टी से, से मोहब्बत और इस ख़ानदान ने जो बहुत सी चीज़ें जैसे जमा तालाब बनाए हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाए हैं और जो हमारा कब्रस्तान है अपना शाही कब्रस्त बड़ी बाड़ी कहलाती है वो शकर दरे में थाने के पास है हम चाहते हैं कि उसके हालत बहुत खस्ता है और वहाँ राजा बख्त बुलंद शाह की मजार भी है और और सर खुरा ख़ानदान की मज़ार है पूरी वहाँ पर तो बहुत हालत इतनी ख़राब हो गई है कि बड़ा अफसोस और रंज होता है तो इस तरह से प्रशांत को चाहिए और यहाँ के जो बड़े लोगों को चाहिए नेताओं को भी उस पर ध्यान दें उसको अच्छे से रखें और जो अपना जुमा तालाब है यहाँ पर यह भी एक बड़ी सुंदर चीज़ और बड़ी ख़ूबसूरत चीज़ बनाई गई है इसमें और इसका भी बहुत ख्याल रखें इस गंदगी का इसकी हर सफाई का ख्याल रखें और अपने नागपुर को अच्छा बनाए हर बीमारियों से ये सब गंदगी से बीमारी भी होती है साफ़ सुथरा रखें हर चीज़ को अच्छे से रखें और और भी जो चीज़ें हैं ज़रा सब ख्याल रखना चाहिए इसमें अपने सबको रहना मिलकर रहना और सबको स्वस्थ और अच्छे खुशी हाल में रहना है और इसके लिए तो प्रशासन को कोशिश करना बहुत ज़रूरी है और प्रशासन के एक बढ़ते कदम होना चाहिए तब कई ये कामकाज हो सकते हैं और प्रशासन ने ये काम करना चाहिए ऐ, ऐसी जानकारी इस समय में हमारे बक बुलंद शाह इस राजा के दसवें राजकुमारी जो वंशज थे दसवीं वंशज जो है राजकुमारी राजमोती के बेटे सलमान शाह साहब ने ये बात बताया है अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस और किस प्रकार से ध्यान देती है और कैसा कामकाज करती है दर्शकों सलमान शाह साहब के बाद में अब हम उनके और भी कुछ परिजन के लोग दूसरी कक्ष में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं आइए उनसे भी बात करते हैं नागपुर शहर को जिन्होंने बनाया है नागपुर शहर आज पूरे विश्व में मशहूर है लेकिन अफसोस नागपुर शहर को बनाने वाले वे जो राजा थे आज उनका कहीं भी कामकाज या नाम नहीं दिखाई दे रहा है इसकी वजह क्या है आखिरकार क्यों नहीं हर जन जन तक उनका नाम नहीं मालूम है मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि किसी को मालूम नहीं है मालूम है लेकिन उनकी जो संख्या है काफ़ी कम है ऐसे में नागपुर शहर का राजा बक्त बुलंद शाह ये वो राजा थे जिन्होंने नागपुर नगरी को बसाया है आखिरकार उनके परिवार के लोग क्या चाहते हैं दसवीं पीढ़ी के लोग आज भी मौजूद है आइए सुनते उन्हीं की जुबानी इस समय में हमारे साथ में कामरान शाह यहाँ पर मौजूद है जो कि राजकुमारी राजमाता राजमोती जी के पोते हैं कामरान साहब ये बताएं कैसा महसूस कर रहे हो आज नागपुर का जो एक बढ़ता कामकाज दिखाई दे रहा है नागपुर में जनसंख्या बढ़ रही है आबादी बढ़ रही है नागपुर का हर क्षेत्र बढ़ते हुए आ रहा है क्या कहना चाहोगे इसके बारे में सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है कि हम नागपुर से हैं और यहाँ का डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें यानी अपने आप में एक बहुत वो है बहुत यानी गर्व महसूस होता है कि हम लोग भी नागपुर में हैं उपराजधानी है ये लेकिन जैसे कि ये नागपुर जो है एक राजाओं के ने बसाई हुई एक जगह है ठीक है तो इस जगह में कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं जैसे हम बहुत से लोग आते हैं नागपुर में घूमने के लिए कौन सी अच्छी जगह है तो इन चीज़ों के लिए हम चाहते हैं ऐसे कुछ प्रशासन के तरफ से जो यहाँ के राजा थे बक बुलंद शाह उनके उनका यानी उनको हाईलाइट किया जाए उनको उनके नाम से कोई ऐसा यानी बहुत जैसे कि लाइब्रेरी या कोई ऐसी आ, इमारत या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे उनका नाम आगे आए और लोगों उनको पहचाने के जो नागपुर जिन्होंने नागपुर बसाया है जिन्होंने नागपुर बसाया है तो वो कौन है अब आने वाली जनरेशन कैसे समझ पाएगी कि हिस्ट्री क्या थी नागपुर की तो वो ये सारी चीज़ें हाईलाइट होना चाहिए आगे आना चाहिए और जो हमारी दादी थी राजकुमारी राजमोती साहिबा उनके नाम से भी कुछ ऐसी कुछ हो कोई ऐसा जगह हो कुछ हो यानी कोई ऐसा यानी वो आना चाहिए उनका नाम भी आ गया तो लोग तभी यानी लोगों को पता चलेगा कि कौन थे किन्होंने नागपुर को डेवलप किया है बनाया है बसाया है तो ये सारी चीज़ें हम लोग बस ये एक प्रशासन से एक वो है विनती है जैसे जुमा तालाब है या एक यहाँ का जो शाही कब्रिस्तान है शक्करधरा में तो इन चीज़ों की भी केयर हो और इनको आ, अच्छा डेवलप किया जाए ये बिल्कुल आ, सरकार से हो या प्रशासन से काफ़ी मांग इन्होंने की है देखना ये होगा कि सरकार या प्रशासन इस और किस प्रकार का ध्यान देती है लेकिन एक बात तो तय है कि नागपुर नगरी के इस राजा को कोई भूल नहीं सकता कोई भुला नहीं सकता इसकी वजह है क्योंकि नागपुर का नाम पूरे विश्व में जिन्होंने मशहूर किया नागपुर नगरी को जिन्होंने बसाया ऐसे राजा बख्त बुलंद शाह थे और उनके दसवीं पीढ़ी के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है अब हम राजकुमारी राजमोती साहिबा की जो पोती बहू है उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे आप कैसा महसूस कर रही हो क्योंकि आज इतना बड़ा परिवार आपका है और क्या सरकार से क्या गुहार लगा रही हो क्या दरख्वास्त है जी बहुत ज़्यादा ख़ुशी महसूस होती है कि इतने बड़े ख़ानदान की बहू बनने का एक जो मतलब मौका मुझे मिला है और इतना बड़े ख़ानदान है कि इतना नामी गिरामी लोग हैं माशा तो बहुत ज़्यादा ख़ुशी महसूस होती है यहाँ पर और ये सारी चीज़ें जो मतलब हमारे फादर इन लॉ इन्होंने जो सारी चीज़ें समेट के रखी है बस यही है कि अब जो अबू मतलब अबू बोलते हैं हम उनको तो उन्होंने जो सारी चीज़ें समेट के रखी हैं तो यही दरख्वास्त है कि ये सारी चीज़ें दुनिया में दिखाई जाए मैक्सिमम जो भी एरियाज़ है मतलब ऑफ द वर्ल्ड उसमें ये सारी चीज़ें एटलीस्ट शो तो भी हो कि हाँ ये संभाल के रखी गई हैं क्योंकि किसी की मेहनत है इसमें और मतलब जैसे कि अब ये आप बता रहे हैं कि बख्त बुलंद शाह की ख़ानदान है बहुत ज़्यादा मालूम तो खैर मुझे इतनी नहीं है बट लेकिन जितना जितना अब बताते जाते थे सुनते थे हम लोग तो सुन के बहुत एक फ़ख्र सा महसूस होता है कि एक राजा के ख़ानदान की बहू बन बहू बनी हो तो एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है बस यही कहना चाहूँगी ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी बस यही कहना चाहूँगी कि जो अबू का ख्वाब है वो अल्लाह ताला पूरा करे और इसमें जो प्रशासन है वो हेल्प करे और उनके ये सारे ख्वाब को पूरा करने में उनकी मदद करे और ये जो सारी चीज़ें चाहते हैं कि कुछ अगर म्यूज़ियम बने या दादी हमारी जो दादी सांस है राज मोती शाह तो इनका अगर कुछ हिस्टोरिकल अगर वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं तो वो ज़रूर न्यूज़ में दिखाया जाए वर्ल्ड तक पहुँचाया जाए क्योंकि ये सारी चीज़ें करें हैं अगर, अगर अबू ने तो उसका फल ज़रूर मिले इनको इतना ही कहना चाहती हूँ मैं आ, मेरा नाम अदीबा कामरान शाह अधिभा कामरान शाह से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि कुछ लाइब्रेरी बनना चाहिए या फिर कुछ ऐसा स्मृति स्थल बनना चाहिए जो पूरे विश्व के लोग आकर उन्हें पहचाने या इतने नहीं तो किताबों में उनके लिए की कोई लेसन भी बनाया जाए क्योंकि जो बड़े बड़े जो पुरुष इस संसार में हो गए हैं उनके बारे में स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें होती है ऐसी बातें इनके बारे में भी बताएं और जन जागृति का काम करें क्योंकि नागपुर के राजा थे गौंड राजा यानी बख्त बुलंद शाहजी इस समय में हमारा साथ में खुद राजा खान है उनसे जानना चाहेंगे राजा ये बताइए कि क्या कहना चाहोगे आप मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रशासन से कि आज जो हमारी भक्त बुल् खानदान जो नागपुर मौजूद है उनका ख्याल रखें और उनका जो धरोहर है उस पर वो ध्यान दें ऐसी कई धरोहर है जिस जिसपे वो काम कर सकते हैं और नागपुर शहर के अंदर हमारी हुकूमत में यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर भी है और कहने का मतलब गृह मंत्री भी है और पालक मंत्री भी ये चाहे तो इनका बहुत कुछ कर सकते हैं तो मेरी इनसे गुजारिश है कि आप ये बख्त बुलंद शाह के ख़ानदान पर ध्यान दें और राजकुमारी राजमोती का एक स्टैचू बनना चाहिए नागपुर के अंदर क्योंकि वो एक आखिरी राजकुमारी थी हमारे नागपुर शहर की बख्बुल्ला शाह के ख़ानदान से तो मैं ये प्रशासन से चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इन पर ध्यान दिया जाए इनके धरोहर पर ध्यान दिया जाए जो आज बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में बस मैं इतना ही प्रशासन से चाहता हूँ एक स्टेचू बनाया जाए ये बात इन्होंने कही है अब देखना ये होगा कि सरकार इस और या प्रशासन इस और किस प्रकार से अमल करता है कामना साहब आपका इस बारे में क्या कहना है आ, जी एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम कोई चीज़ का नाम तो भी हो अगर इतना अगर कुछ नहीं हो सकता तो किसी ऐसे कोई आ, या चौक हो जो अपने जो स्क्वायर होते हैं से, तो वहाँ पे कोई नाम हो या कोई बिल्डिंग का ऐसे जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं तो किसी चीज़ किसी या किसी चीज़ में नाम आए या कोई जैसे आ, अपने नागपुर में मेट्रो स्टेशन हैं तो वहाँ पे पिलर्स आ रहे हैं बहुत तो से लोगों की फ़ोटोज़ आ रही हैं उसमें नाम आ रहे हैं तो या उस वहाँ पर कहीं पर उनका यानी कोई ऐसी जगह पर नाम हो जैसे सी रोड पर जो है तो वहाँ पे उनका नाम आए या कोई अच्छा यानी खेल का मैदान तो ये सब चीज़ों में कहीं उनका नाम आना चाहिए हमारी एक वो है और अंत में मैं एन बी सी एन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने आज इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारी हमारी हेल्प के लिए आए हैं बहुत थैंकफुल हूँ एन बी सी एन का नागपुर के जरीपटका स्थित मुस्लिम कब्रस्तान में दसवें वंशज राजकुमारी राजमोती इनका देहांत होने के बाद उन्हें इसी जरीपटका के मुस्लिम कब्रिस्तान में लाया गया था राजकुमारी राजमोती साहेदा इनका जन्म 18 नवंबर 1920 को हुआ था और 8 फरवरी 1993 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था इसी मुस्लिम कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक भी किया गया था दर्शकों इस समय में इन की टीम आई हुई है नागपुर के जरीपटका के अंतर्गत आने वाले मुस्लिम कब्रिस्तान में जहां पे गोंड राजा बक्त के आखिरी वंशज मोहम्मद आजम शाह की बेटी राजकुमारी राजमोती इनकी कब्र है हम अंदर चलते हैं और आपको कब्र भी दिखाते हैं और जानकारी भी देते हैं आइए हमारे साथ दर्शकों अब हम आए हुए हैं जरीपटका के अंतर्गत आने वाले मुस्लिम कब्रिस्तान में हम आपको बता दें के गोड राजा भक्त शाह के आखिरी के वंशज यानी दसवीं पीढ़ी के जो राजा थे आजम शाह आजम शाह साहब की जो पुत्री थी राजकुमारी राजमोती इनका इनको यहीं पे लाया गया था और अठारह ग्यारह उन्नीस को राजकुमारी राजमोती इनका जन्म हुआ था जबकि 8 फरवरी उन्नीस को उनका इंतकाल हुआ था और लाल बंगला टाकली से उनका जनाजा इसी कब्रिस्तान में लाया गया जहाँ पे इन्हें सुप्रदखा किया गया आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे कब्र दिखाई दे रही है ये राजकुमारी राजमोती जी इनकी ये कब्र है और लोगों का ये मानना है कि ऐसे गोंड राजा की जो पुत्री थो पुत्री थी राजकुमारी राजमोती इनका चाहे सभागृह हो खेल का मैदान हो या अन्य जो भी सामाजिक कार्य हो ऐसे हर काम के लिए राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो या फिर नगर प्रशासन ज़िला प्रशासन इन्होंने नाम देना चाहिए क्योंकि इन्हीं के नाम से नागपुर बैठा है हम आपको फिर से एक बार बता दें कि गौंड राजा बक बुलंद शाह जी ये देवगढ़ से आए हुए थे और देवगढ़ से आने के बाद उन्होंने ये नागपुर को बिठाया है बसाया है जिसके चलते नागपुर नगरी गोन राजा बख्त बुलंद शाह के नाम से जाना जाता है और दसवीं पीढ़ी की आप थी राजकुमारी राज मोती साहिबा जिनको सुपुर्द खाक किया गया है उन्नीस सौ में अब शहर में ऐसे कई और भी कब्र है जैसे कि हम आपको बताते कि गोन राजा बख्त बुलंद साहब की भी शकरदरा चौक के बाजू में एक मज़ार है एक कब्र गोंड राजा बुलंद शाह जी की भी कब्र है और आज तक न प्रशासन ने न राज्य सरकार ने कोई भी ऐसी बात ध्यान में नहीं ली है ना कोई विकास के कार्य किए गए जिन्होंने नागपुर बिठाया है बसाया है ऐसे पालक को ऐसे गार्डियन को ही भूल रहे हैं लोग इतिहास में हर किसी को ये बात ध्यान में आना चाहिए इसीलिए हर स्टूडेंट के लिए उनका जो एक किताब जो होती है उसके अंदर में वो एक लेसन भी रखना चाहिए ऐसे परिवार जनों का ये मानना था और यही एक मुस्लिम कब्रिस्तान है जहाँ पर इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने पूरा अपना धन राजपाट पूरा औरों को दे दिया मगर खुद ईमान पे कायम रहे और वे यही चाहते थे कि इस देश में भाईचारा प्यार अमन शांति बना रहे और कंधे से कंधा मिलाकर हर कोई एक दूसरे को सहायता करे और इस देश का नाम रोशन करे इस शहर का नाम रोशन करे तो दर्शकों अब हम आपको बता दें कि नागपुर का नाम गोंड राजा यानी बक्त शाह इन्होंने जो बसाया था उसी के ऊपर में नागपुर नगरी का नाम रखा गया है नागपुर के इस राजा की पहचान दिन ब दिन अगर नजरों से दूर होते जा रही है क्योंकि प्रशासन या राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार ये ध्यान नहीं दे रही है एक यह अफसोस की बात है ऐसे महान शख्सियत जिन्होंने इस शहर के लिए अच्छा काम किया है इस शहर को एक पहचान दी है अगर उनका नाम कहीं ना कहीं हर जगहों पर आना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इनके इसके इनके बारे में जानकारी हो और सही मायने में नागपुर नगरी का राजा कौन ये जब कोई पूछे तो बख बुलंद गौण राजा का नाम आना चाहिए और दसवीं पीढ़ी की उनके वंशज कौन तो हम बता सकते हैं जनाब मोहम्मद आजम शाह की पुत्री राजकुमारी राजमोती इनका नाम आना चाहिए क्योंकि इन्होंने अच्छा काम जो उस जमाने में किया है आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान की भी एक माली हालत लचर हालत दिखाई देती है इतने बड़े राजकुमारी की जिन्होंने नागपुर को बसाया है आज देखिए कि कब्र किस तरह से तो दर्शकों ये थी स्पेशल स्टोरी गोंड राजा बग बुलंद शाह के आखिरी वंश दसवीं पीढ़ी के मोहम्मद आजम शाह की बेटी राजकुमारी राजमोती इनके बारे में अगली बार हम किसी भी ऐसे एक धार्मिक स्थल या इस देश से शहर से जुड़ी हुई ऐसी कुछ बड़ी खबर को स्पेशल स्टोरी के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाएंगे तब तक दीजिए मुझे इजाजत नागपुर के जरीपटका मुस्लिम कब्रिस्तान से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे बी न्यूज नागपुर तो दर्शकों ये थी स्पेशल स्टोरी गोंडराजा राजा बुलंद शाह के ऊपर में अगली बार हम किसी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा या विहार को लेके आपके सामने में ऐतिहासिक धरोहर की स्पेशल स्टोरी पेश करेंगे तब तक आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल बी न्यूज़ नागपुर नमस्कार